नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 168 नए पॉजिटिव, सक्रिय केस 1357। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मंडी में 39 वर्षीय संक्रमित ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 168 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। चंबा जिले में 32, बिलासपुर 28, कांगड़ा 26, शिमला 24, मंडी 20, ऊना 13, हमीरपुर 11, सोलन 4, कुल्लू 4, लाहौल स्पीति 3, किन्नौर 2 और सिरमौर जिले में एक नया मामला आया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 165 मरीज ठीक हुए। अब प्रदेश में कुल 165 मरीज ठीक हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,28,000 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,97,943 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले 1,357 हैं। प्रदेश में अब तक 3,468 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जाँच के लिए 12,597 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। HPBOSC ने घोषित किया 10वीं का परीक्षा परिणाम, 99.7% रहा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। सोमवार सुबह से ही रिजल्ट निकाले जाने को लेकर उठापटक चल रही थी, लेकिन शाम होते होते शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देखने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hpbosc.org पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख पाएंगे। इस बार रिजल्ट 99.7% रहा। 10वीं के 1,16,784 छात्रों में से 1,16,286 को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। बता दें कि इस वर्ष 10वीं कक्षा में 1,31,902 परीक्षार्थी हैं, जिनमें से 1,16,973 नियमित व 14,929 SOS से संबंधित हैं। बिना बिल ले जाई जा रही शुद्ध चांदी बरामद, 42,000 जुर्माना। हिमाचल के ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र हरोली के तहत पंडोगा स्थित राज्य कर व आबकारी विभाग के चेक पोस्ट पर विभाग की टीम ने एक वाहन में बिना बिल के ले जाई जा रही शुद्ध चांदी बरामद की है। कार चालक ने चांदी के टुकड़ों को कागज में लपेटने के बाद ऊपर से टेप लगा रखी थी। बिना बिल ले जा रहे चांदी को लेकर विभाग ने कार चालक से 42,000 रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करवाया है। बता दें कि रविवार देर शाम पंडोगा स्थित राज्य कर व आबकारी विभाग की चेक पोस्ट पर तैनात निरीक्षक प्रदीप ठाकुर अपनी टीम सहित वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी पंजाब के जिला होशियारपुर की ओर से आ रही कार को जब शक के आधार पर रोककर चेक किया गया तो कार चालक की सीट के नीचे से एक बड़ा पैकेट मिला। पैकेट को जब निकाला गया तो उसमें शुद्ध चांदी के छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए गए। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 11 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम मिला जुला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 7 से 9 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट है। सोमवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रविवार रात को धर्मशाला, सरकाघाट और पालमपुर सहित कई क्षेत्रों में बादल चमाचम बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। जेपी नड्डा बोले, अटल टनल के निर्माण से सुरक्षित हुआ बॉर्डर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे नड्डा मनाली स्थित सासे हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से उतरे। इसके बाद अटल टनल के साउथ पोर्टल से होते हुए नॉर्थ पोर्टल पहुंचे। उनका लाहौल परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। वो इसके बाद सिसु तक गए। उन्होंने कहा कि 9.9 किलोमीटर लंबी अटल टनल इंजीनियर्स, बीआरओ और रक्षा मंत्रालय के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके निर्माण से बॉर्डर सुरक्षित हुआ है। 9 जुलाई से होगा 8 विषयों का टेट, यहां जाने शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 9 जुलाई से 8 विषयों का टेट होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक परीक्षाएं ली जाएंगी। 9 जुलाई को पहले दिन सुबह 10 बजे जेबीटी टेट और दोपहर को शास्त्री टेट की परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी लिखित परीक्षाओं के लिए अपने अनुक्रमांक पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाए गए लिंक पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। उफनती सतलुज नदी में कूदा युवक, लापता। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर शहर को कुल्लू जिले से जोड़ने वाले जगात खाना पुल से सोमवार दोपहर एक युवक सतलुज नदी में कूद गया। पुलिस ने युवक की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया।
युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और यहां घर घर जाकर कालीन बेचने का काम किया करता था। जानकारी के मुताबिक मामला सोमवार दोपहर बाद करीब बजे का है, जब युवक जगात खाना पुल से सतलुज नदी में कूद गया। पानी के तेज बहाव में कुछ ही दूरी तक युवक दिखाई दिया और इसके बाद उफनती नदी में लापता हो गया। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के घूम रहे सैलानी, विभाग ने जारी की एडवाइजरी। पर्यटन नगर मनाली सहित प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ लग रही है। वीकेंड पर रिकॉर्ड सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। अटल टनल रोहतांग होकर प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों में सैलानी नॉर्थ पोर्टल के सिस्सु पहुंच रहे हैं। मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों का जमावड़ा लगने से एक बार फिर कोरोना फैलने का खतरा है। अधिकतर पर्यटक मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे। कोरोना के खतरे को देखते हुए पर्यटन विभाग सतर्क हो गया। विभाग की ओर से होटलियरों और ट्रैवल एजेंट्स को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें उन्हें कोरोना को लेकर जारी एसओपी के तहत काम करने को कहा गया है। 4 घंटे पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। विकासखंड चंबा के तहत ग्राम पंचायत कोहलड़ी में मरीजों को पालकी पर बैठाकर 4 घंटे आवाजाही करनी पड़ रही है। बिना सड़क सुविधा के ऐसा करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। ताजा मामला गांव जगरोता से जुड़ा है। स्थानीय निवासी चुन्नीलाल को स्वास्थ्य जांच के लिए ग्रामीण ने उन्हें पालकी में बैठाकर 4 किलोमीटर दूर भगरोत नाल तक पहुंचाया, जहां से आगे वे गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे। सड़क जल्द पक्की करो, नहीं तो कर देंगे चुनाव का बहिष्कार, जवाली के लोगों की चेतावनी। उपमंडल जवाली के अधीन ग्राम पंचायत डोल व बलदोआ को जोड़ने वाले बाग नाला चौपर बस्ती बलदोआ मार्ग की हालत बद से बदहाल हो गई, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव वासियों शुभम कुमार, राकेश कुमार, पवन सिंह, केवल सिंह, जगदीशन रिपीट गांववासियों शुभम कुमार, राकेश कुमार, पवन सिंह, केवल सिंह, जगदीश चंद, बंसीलाल, सुरेश कुमार, मदन सिंह इत्यादि ने कहा कि वर्षों पहले तत्कालीन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने डोल व बलदोआ पंचायतों को जोड़ने के लिए उक्त मार्ग निकलवाया था, लेकिन आज तक ये मार्ग पक्का नहीं हो पाया। 2 किलो चरस के साथ दबोचे 2 तस्कर, चंबा में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम यूनिट की कार्रवाई। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट कांगड़ा की टीम ने 2 किलो 52 ग्राम चरस सहित 2 तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया। आरोपियों को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया जा रहा है। रॉकस्टार टमाटर ने उड़ाए किसानों के होश, न आकार आया और न ही रंग। सोलन जिले में रॉकस्टार टमाटर ने किसानों के होश उड़ा दिए। 5 माह से टमाटर में न आकार आया है और न ही रंग। टमाटर का बिगड़ा आकार होने से सब्जी मंडी में इसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे। आढ़ती टमाटर को लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। मजबूरन किसानों ने इसे तोड़कर खेतों के किनारे फेंक दिया है। कुछ किसानों ने टमाटर की हरी फसल उखाड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी। प्रदेश सरकार हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। 7 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही हैं। सीएम जयराम बोले, उपचुनाव में कम ना हो जीत का अंतर, करें कड़ी मेहनत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले भी हम जीते हैं और 2022 में भी जीतेंगे। देवसदन कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में सीएम ने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में जीत का अंतर कम नहीं होना चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।